कामोठ्या वसाहतीमध्ये असलेल्या एका ज्वेलर्सच्या बंद दुकानात अज्ञात चोरट्यांनी केलेल्या घरफोडीत लाखो रुपये किमतीचा ऐवज चोरून नेल्याची घटना घडली आहे. कामोठे वसाहतीमधील बसंत बहार सोसायटीमध्ये असलेल्या लक्ष्मी ज्वेलर्स मध्ये अगदी फिल्मी स्टाईलने ही चोरी केल्याचं उघड झालंय. यासाठी चोरट्यांनी ज्वेलर्स दुकानाच्या शेजारी असलेल्या एका खानावळ दुकानातील कॉमन भिंतीला भगदाड पाडून चोरटे सोनाराच्या दुकानात शिरले. यानंतर गॅस कटरच्या मदतीनं ज्वेलर्स दुकानातील तिजोरी फोडली. तिजोरीतील चांदी आणि सोन्यावर चोरट्यानं डल्ला मारून चोरटे फरार झाले. या दरोड्यामध्ये जवळपास 10 किलो चांदी चोरल्याचं समोर आलंय. ही घटना घडल्यानंतर कामोठे पोलिसांसह गुन्हे अन्वेषण विभागाच्या पथकांनी घटनास्थळी दाखल होत तपास सुरू केलाय. दरम्यान अशा प्रकारच्या चोरीच्या घटना यापूर्वी सुद्धा घडल्या असल्याने पोलिसांचा तपास त्या दृष्टीनं सुरू आहे. मेरे को पता चला सुबह के टाइम में करीबन 9:03 पे कि अपना बंदा आया दुकान का जो साफ सफाई करता. सुबह साफ सफाई करने के बाद में हम लोग आते और दुकान ओपन करते हैं. तो बंदा पहले आया तो उसको मालूम पड़ा कि भाई के अंदर तोड़फोड़ हुई और मिट्टी बिखरी हुई पड़ी. तो मेरे को फ़ोन किया उन्होंने कि पैसा पाओ आओ दुकान पर जल्दी, कुछ न कुछ अपने साथ में घटना घटी. तो मैं दुकान पर दौड़ते भागते दुकान पर आया. दुकान पर आके देखा तो पूरा टूटा हुआ है और उसमें से दो कपाट है मेरा, एक तो ऊपर एक नीचे है. दो कपाट में से एक कपाट का पूरा सत्यानाश करके पूरा तोड़ दिया. उसमें से पूरा तोड़ के उसमें 15 किलो चांदी था. चांदी लेके चले गए और नीचे वाला कपाट को चार जगह से उन्होंने कटिंग किया. चार जगह से कटिंग किया. ये तो देखो नसीब अच्छा अपना था कि जो कि कपाट का अच्छा मजबूत था और बढ़िया था तो उसमें से वो लोग काट नहीं पाए. पूरा उसमें से जो माल था वो बच गया है और बाकी का जो चांदी का माल था ऊपर के कपाट में वो लेके चले गए.